हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ और मज़े में हूँ। तो जी गाइस, आजकल मैं यूट्यूब पर एक्टिव हो ही नहीं रही थी और आजकल बहुत बिजी चल रही थी, तो उसकी वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि बहुत मेरे पास DM भी आ रहे थे, जो कि मेरी कज़न्स वगैरह और मेरी आंटी हैं जो करीबी रिश्ते हैं, उनकी भी मेरे पास बहुत DM आए थे कि आप इसकी एक वीडियो बना लें जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूं, और ये एक छोटी सी वीडियो है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि ये वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं, जो कि मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है और आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। मुझे ये वीडियो ज़रूर बनानी थी, इसलिए कि मेरे ना हो गए थे एक्चुअली मस्से, तो जो कि मुझे मेरे हस्बैंड के भी हो गए थे मस्से, तो मैंने उनके शायद उनसे कहते हैं कि उनकी वजह से लगा है, इसलिए कि जम्स होते हैं जो फौरन लग जाते हैं, ये छोटे जो मस्से होते हैं ना, उनकी बीमारियाँ बहुत फैलती है। जैसे कि आप खाना खा भी रहे हैं उनके साथ या रह भी रहे हैं, तो ये छोटे मस्से होते हैं जो कि आपके फेस हर जगह हो जाते हैं, उनकी बॉडी पे भी, फेस पे भी, हैंड्स पे भी, पैर पे भी, हर जगह ये हो जाते हैं। तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हस्बैंड शुएब को हुए थे, तो शुएब की वजह से वो मस्से शायद मुझ पर कन्वर्ट हुए, और जो कन्वर्ट हुए, एक्चुअली आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी जिस पर मेरे यहाँ भी मस्सा था, यहाँ भी मस्सा था, छोटे छोटे मस्से हो रहे थे, बहुत दर्द भी था। तो मैंने बहुत इलाज किया, नुस्खे वगैरह भी मैंने किए, सबकी बातें सुनी थी कि आप ये कर लें वो कर लें, तो मैंने वो भी किए, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मुझे कोई फ़ायदा नहीं पड़ा। मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर के भी चले जाऊँ, तो डॉक्टर के पास पहले मेरे हस्बैंड गए थे, जो कि उनका ऑपरेट भी हुआ था, यहाँ उनके मस्से बहुत हो गए थे, तो उनका क्या नाम है, ऑपरेट भी हुआ, उसकी वजह से फिर ये हुआ एक 1 या 2 वीक के बाद ये दोबारा उनके आना शुरू हो गया, इसलिए कि उनके हो तो गया था ऑपरेट, तो उसमें भी दोबारा उनके निकल गए थे मसल। तो फिर हम दोबारा डॉक्टर के पास नहीं गए, और फिर मैंने शुएब को घर में ही मैं नुस्खे बताती रही कि शुएब आप ये कर लें वो कर लें, जब भी उनके सही नहीं हुए। तो मेरी एक रिलेटिव में कज़न है, तो उनके बेटे को उनका बेटा 3 या 4 ईयर्स का था, तो उनके फेस पे छोटा बच्चा, उसके फेस पे वो दाने निकल गए थे, तो वो एक्चुअली वो अपने बेटे को दिखाने डॉक्टर को लेके गई होंगी, तो उनके डॉक्टर ने जो दवाई लिखी वो बहुत बेस्ट है, और उनके ये जो दवाई थी वो ड्रॉप में, आप 1 गिलास वाटर लेकर उसमें भी ड्रॉप डाले 2 या 3, और क्या नाम है, वो पिए भी और वो लगाएं भी, तो ये करा भी होगा, तो एक्चुअली उनके बच्चे के मस्से बहुत सही होगा माशाल्लाह से। तो क्या नाम है, फिर ये मेरे भी शुएब के हुए, शुएब के बाद उनके ख़त्म हो गए थे, फिर मेरे कन्वर्ट हुए, इसलिए कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें यहाँ भी मस्सा था मेरा, यहाँ भी मस्सा था, एक्चुअली यहाँ मस्सा था, इसके बाद ये मेरा बर्ड मार निकल गया वहाँ, तो यहाँ थोड़ा बहुत मेरा निशान रह गया था। तो मैंने सोचा कि आपको दवाई दिखा दूं, तो ये दवाई है, तूजा नाम की दवाई है, ये मेड इन जर्मनी और बहुत अच्छी है, और क्या नाम है, ये मैंने 1 गिलास पानी में ना मैंने ये 16-17 मैंने ये इसमें ड्रॉप डाले थे, ड्रॉप डालकर ये मैंने पिए थे, और मैंने फिर इसके बाद ये ड्रॉप सी की ड्रॉप मैंने मस्से पे लगाए थे, तो ये मुझे बहुत अच्छा फ़र्क मिला, बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव मिला। अप्लाई मैंने ये बहुत किया, दिन रात सुबह शाम जब मुझे टाइम मिलता था मैं ये अप्लाई करती थी, और सुबह शाम में ये पानी में डालकर 16 या 17 ड्रॉप डालकर आप ये पिए सुबह शाम, और ये मैंने अप्लाई भी किया है और मैंने ये पिया भी है। ऐसी बीमारी नहीं है मस्से कि आप लोग क्या नाम है ये ले लेते हैं कि नहीं ये मस्से की ऐसी बीमारी है, ये है वो है, नहीं ज़िंदगी भर जाएगी, नहीं, आप लोग ये लाजमी इस्तेमाल करें, यूज़ करें। मैं आपके इसको मैं तस्वीर आपको मैं पिक भी शेयर करूँगी, इसकी मैं वीडियो भी शेयर करती हूँ, और ये मेड इन जर्मनी के बहुत ज़बरदस्त है और इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, 500 की है, और जब मैंने ली थी ये
500 ऐसी कुछ की थी, जो कि आप लोगों को हर जगह मिल जाएगी, मेडिकल पे इजीली मिल जाएगी। ये ज़रूर लें और ये ज़रूर पिए तो आप लोगों के मस्से दिखेगा एंड आन एंड एंड फन एंड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे जड़ से ही ना। तो मैंने तो बहुत नुस्खे आजमाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने फिर मैंने अपनी कज़न से पूछा कि मुझे आप बता दें, मैं बहुत तंग आ गई हूँ, उसे कि बहुत दर्द होता था, मेकअप करती थी तो मेरे एक तो मेकअप पे भी आते थे और थोड़ा कुछ हो जाए, हाथ लग जाए तो मेरे दर्द होता था बहुत। तो इसी वजह से मैंने उनसे पूछा। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जबकि मेरा अल्लाह का शुक्र है फेस साफ़ हो गया है, और क्या नाम है, मेरे हस्बैंड के भी जर मस्से थे वो भी अल्लाह का शुक्र है वो भी ख़त्म हो गए। तो मैंने बोला क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूं, इसलिए कि ये आजकल मैं देख रही हूँ बहुत आम हो गई है बीमारी नहीं कह सकते इसको, ये मस्से है जो कि हमारे जिसम में ऐसी कोई चीज़ होती है कि खाने में आ जाती है, या विटामिन की कमी होती है, या हमने कुछ ऐसा कुछ खा लिया होता है जो कि हमारे बॉडी पे, फेस पे, हैंड पे, पैर पे, हर जगह ये निकल जाते हैं। ये बारीक में होते हैं, मोटे भी होते हैं, छोटे, उनकी हर तकलीफ, ये उनकी शक्लें होती हैं मस्सों। तो ये आप ज़रूर मंगवाएं, ये बहुत अच्छी है। और छोटे बच्चों के जैसे मस्से वगैरह हो रहे हैं तो उनको 6 या 7 ड्रॉप डाल कर ग्लास में आप उनको पिला दे, नहीं और इसी के ही ड्रॉप उसके अप्लाई करें जहाँ बच्चे के ये मस्से वगैरह निकल रहे हैं। तो ये मैंने बोला, मैंने सोचा कि ये छोटी सी वीडियो जो कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, आप लोगों के लिए भी एडवेंचर है और मेरे लिए भी बहुत थी, अल्लाह का शुक्र है। और अभी तक नहीं है, और जब भी निकलते हैं या कुछ हो तो मैं इंशाल्लाह इसी को ही मैं यूज़ करूँगी। मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं तो आप लोगों के लिए इसलिए शेयर करा था कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो तो ये बहुत अच्छी है, आप लोग भी इस्तेमाल करें। और फिर मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये यूज़ करके अप्लाई करके भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो बहुत आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हो सके, तो ये आगे से आगे शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और मेरी कज़न ने मुझे बता दिया था और ये बहुत बेस्ट दवाई थी जो कि मैंने सोचा कि इसके लिए मैं वीडियो बनाऊं, इसलिए कि एक्चुअली वो आजकल क्या नाम है DM भी आ रहे थे बहुत कि आप कोई वीडियो नहीं बना रही, आप कुछ वो नहीं कर रही, इसलिए कि आजकल मैं इतनी बिजी हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि चलें एक यही इसी पर ही वीडियो बना लूँ। चले गाइस, ये वीडियो मैं यहाँ तक एंड करती हूँ आप लोगों के लिए। मैंने ये वीडियो बहुत, मैंने सोचा 2 या 3 डेज हो गए कि मैं ये वीडियो बनाऊँ आप लोगों तक पहुँचाऊँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए शेयर कर दी है। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, और बाय, अल्लाह हाफिज़।